हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से प्यार। तो भाई अपने सामने खड़ा है वरना 2023 का ये ग्रे कलर। तो आप देखिए ये ग्रे कलर देखने में कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये आप गाड़ी का पूरा आप साइड लुक आप देख सकते हैं। तो भाई अगर हम लोग फ्रंट में देखें तो फ्रंट में ये गाड़ी का जो पूरा जो DRL आपको देखने के लिए मिल रहा है, कनेक्टिंग DRL से इसको बोलते हैं भाई। यहाँ से आप देखिए पूरा कनेक्टिंग DRL आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपने Hyundai का पूरा बड़ा लोगो हो गया यहाँ पे। और आप देखिए इसमें ये अपने पार्किंग सेंसर है, इसमें टोटल 4 मिलेंगे, 1, 2, 3 और वो अपना 4। अगर हम बात करें हेडलाइट की तो इस बार बम्पर में ही हम लोग का हेडलाइट आ गई है। ये 3 फेज में है, 1, 2, 3, ठीक है। और ये अपना देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स भी अपना हेडलाइट में ही देखने को हम लोग को मिलेंगे बम्पर में ही। तो भाई अब अगर बात करें हम लोग एलॉय व्हील्स की, तो एलॉय व्हील्स का भी डिज़ाइन बहुत टोटल आपका चेंज हो चुका है। इसमें आपको अपोलो के LNX 4G देखने का मिलेगा। उसमें टायर साइज़ है 205/15R16, 16 इंच के आपको इसमें एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। अब हम लोग बात करें अगर साइड लुक की, तो भाई साइड लुक अगर आप देखिए गाड़ी का, तो साइड में ये गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है देखने में। पहले से ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है कार। तो भाई ये तो कुछ था अपना साइड लुक। साइड लुक से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अगर आप ग्रैब हैंडल्स देखिए, ग्रैब हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा इस बार चेंज कर दिए हैं कार में। और हाँ भाई, ठोस है बिल्ड क्वालिटी, मतलब आप समझ लीजिए बिल्ड क्वालिटी ठोस है इस बार। अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, तो भाई बैक से अगर आप ये कार को देखें तो मतलब जिसको बोलते हैं ना इसको लग्जरी, ये प्रॉपर लग्जरी है देखने में। ये अब आप देखिए इसकी जो लाइट है, ये भी कनेक्टिंग आपको टेल लैंप्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये आपको पूरा ऐसे करके कनेक्टिंग टेल लैंप्स देखने को मिलेगी। और इसमें आप वरना की आप बैजिंग देख सकते हैं। और जैसे बहुत किसी का ये डाउट रहता है कि ये क्रोम है, तो भाई ये नहीं, ये अंदर में है, ये कार के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको SX की ब्रांडिंग मिलेगी। ये SX ऑप्शनल अपना रहने वाला है वेरियंट, है ना। ये आपको बीच में आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ आप देख सकते हैं अभी कार को आप पीछे से। ये अपना बम्पर देखने को मिलेगा। बम्पर में आप देखिए ये पीछे जो लुक है बहुत सुंदर लग रहा है, ये एनहांस कर रहा है इसके लुक को, ब्यूटी को। तो भाई ये बम्पर आप देख सकते हैं पीछे का। ये अपना क्लैडिंग देखिए। अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो भाई इसमें तो लगता है जैसे 2 आदमी इसमें आराम से घुस जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है इस बार, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बूट को आप खोल बंद कर सकते हैं। भाई कसम से इसका बूट स्पेस तो देख के मज़ा ही आ गया। ये अब आप देखिए इसकी आपको जो इंडिकेटर्स है, ब्रेक लाइट है, सब आपको इसी में आपको देखने को मिलता है एक में ही। पीछे से आप देखिए ये हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे है। फिर आपको ये अपना भाई शार्क फिन एंटीना भी देखने को हमें मिल जाता है। तो भाई ये इस साइड से कुछ आप देख सकते हैं। ये ग्रे कलर में कार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो भाई एक्सटीरियर का तो हो गया, आप इसमें बस अच्छे खासे इसमें बड़े आपको ग्लास देखने को मिलेंगे। तो भाई ये अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। चलिए एक बार हम लोग अंदर चल के देखते हैं गाड़ी के। तो ये अपना यहाँ पे गेट है, यहाँ पे देखिए सारे स्विचेस। ये अपना लॉक अनलॉक का स्विच है, ठीक है। ये ऑटो विंडो इसका है ना। ये अपना जितना भी आप देख रहे हैं ये सब स्विच है, ठीक है। ये देखिए ये बोस का इसमें आपको स्पीकर मिलेगा। तो भाई बोस से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसमें बोस का आप देख सकते हैं ब्रांडिंग इसमें आपको। ये टॉप मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया SX ऑप्शनल है। तो भाई घुसते के साथ सबसे पहले जो आपको जो प्रीमियम चीज़ आपको लगेगी वो इसका डैशबोर्ड है। एक बार आप इसका डैशबोर्ड देखिए, ये इतना ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है पहले वरना की कंपेरिजन में। ये इतना ज़्यादा प्रीमियम हो गया। आप यहाँ पर इसका स्पीडो कंसोल देखिए, तो ये आपको पूरा आपको डिजिटल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अपना RPM हो गया, यहाँ अपना स्पीडो हो गया, सब कुछ हो गया। ये स्टेयरिंग इस बार हम लोग को फ्लैट बॉटम नहीं देखने को मिलेगा, ये हम लोग को राउंड शेप का मिलेगा। ये मेरे को थोड़ा सा वो लगा, फ्लैट बॉटम दे सकते थे, लेकिन हाँ भाई ये भी देखने को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये टिल्ट टेलीस्कोपिक ये दोनों होने वाला है, ठीक है। तो ये भी अपने में बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पे आप अपने जो हुड है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भाई जो सबसे स्लीक है इसकी जो एयर वेंट, ये मेरे को बहुत अच्छा प्रीमियम, ये प्रीमियम टच को ये आपका वो कर रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। और सबसे अच्छा है जो आपका यहाँ से लेके जो कंटिन्यूशन में जो पूरा यहाँ तक आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। सामने अपना यहाँ पे हम लोग को सबवूफर देखने को मिल जाता है, ठीक है।
ये भाई सिक्स गियर में आती है, ठीक है। रिवर्स आपको ऊपर उठा करके लगाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं इसमें शो हो रहा है। इसका कैमरा की ऊपर आप क्लैरिटी देखिए, तो भाई कसम से इसका कैमरे की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए आगे में अपना भाई जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी शो कर रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अपना पार्किंग ऑन सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ अपना पार्किंग अपना स्विच है, ठीक है। ये अपना वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और भाई कंफर्टेबल इसकी जो सीट्स है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। और अगर हम बात करें इसकी की तो वो की आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ये क्या लॉक अनलॉक होल्ड, और यहाँ से आप अपना बूट को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई अगर हम बात करें सनरूफ की, तो ये आप देखिए सेडान के लेवल में अगर हम देखें तो ये सनरूफ मोर देन एनफ है, बहुत अच्छी है। ये आपका इसका फ्लैप है, ये हाथ से ओपन क्लोज कर सकते हैं, ये अपना सनरूफ को ओपन क्लोज करने का बटन दिया हुआ है। ये देखिए सनरूफ पूरी ओपन हो चुकी है, अगर हम वन टच में आप ये क्या है ये अपने आप अंदर आ जाएगी, और ये फ्लैप हम लोग को खुद ब खुद हाथ से हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे को जो सबसे अच्छा वो लगा वो इसकी एलईडी, पहले हेलोजन था तो भाई ये एलईडी में बहुत अच्छा ये टच है दोनों साइड में। और अगर आप देखें ये तो ये डोर क्लोज ओपन में ये जलेगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये अपना मेरे को ये ग्लास देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपना ग्लास है इसमें, लेकिन लाइट नहीं है देखने को, ठीक है। और इस साइड भी आपको सिर्फ आपको ग्लास देखने को मिलेगा, मिरर देखने को मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी देखने को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये SX ऑप्शनल है, तो इसमें आपको SOS का आपको बटन देखने को मिलेगा। ये पता नहीं क्यों ये फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे SOS का आपको बटन मिलेगा देखते हुए। फिर आपको यहाँ पे अपना टो हुक वाला जो भी अपना है ये ब्लू लिंक आपका कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो भाई देखिए ये अपना ब्लू लिंक का है, ये अपना टो हुक का है, और ये अपना SOS का यहाँ पे दिया हुआ है। ये पता नहीं भाई फोकस नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए काइंडली सॉरी, ये SOS है। तो भाई हाँ इसमें हमें SOS का फीचर्स मिलता है देखने को, ठीक है। और भाई ये अपना पैसेंजर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर भी इसमें आपको मिल जाता है। भाई आगे पीछे इसका लेगरूम का क्या ही कहना, ठीक है। तो ये जो वाइट में जो इसका इंटीरियर है वो इसमें लग्जोरियस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बस हाँ आपको थोड़ा सा इसको मेंटेन करना पड़ेगा, बाकी गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है पहले से। ये अपना बोस का स्पीकर, उसके साथ साथ आपको जो ट्विटर देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा इस बार कर दिया कंपनी ने। अब अगर हम बात करें इसके बैक स्पेस की, तो इसका डोर अगर हम खोलेंगे तो यहाँ अपना बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपना बोस का स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको पूरा वाइट में आपको देखने को मिलेगा विद सॉफ्ट टच, यहाँ आपका सॉफ्ट टच होने वाला है। चलिए अब कार के अंदर देखते हैं और बैक स्पेस को देखते हैं, तो ये देखिए इसमें भी आपको घुसते हुए बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। ये अपना जो बोस का स्पीकर रहने वाला है, ये अपने बॉटल होल्डर है देखने को, है ना। अगर हम एक बार आप यहाँ देखिए सीट को, तो भाई कसम से ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ये अंदर से। भाई पीछे घुसते के साथ सबसे पहले आपको दिखेंगे ये AC वेंट्स और अपना ये फास्ट चार्जिंग, है ना। और ये आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर देखने को मिल रहा है, बोस की ब्रांडिंग है, ये अपना बहुत अच्छे फिनिश में है पहले से, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे अपनों आपको मैगजीन होल्डर है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही है ना। यहाँ आपको आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे इसमें दोनों में। तो भाई एक चीज़ मेरे को क्या नहीं समझ में आया कि इसमें बीच में आपको हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलता है, जो कि कंपनी दे सकती थी। ये आपको पीछे आपको सनसेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि फिर से यहाँ पे फंसाने का है इसमें, फिर से आपको लग्जेरियस में इसका देखने को मिलेगा। ये इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो भाई देखिए ये बहुत ज़्यादा लग्जेरियस फीचर है देखने को, ये सनसेट है ना। और ये भाई कुछ आप पीछे से एक बार आप आगे का आप लुक देखिए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा ये प्रीमियम लग रहा है देखने में। ये अपना स्टेयरिंग देखिए, कसम से कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, और क्या भाई लुक आ रही है। अगर हम बात करें पीछे लेग स्पेस की, तो हाँ जो टॉल गाइज हैं, जो मतलब 6'1" 6'2" है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि इसमें लेग रूम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट है पीछे से। ये अपना पीछे से सनरूफ देख लीजिए, है ना। और ये आप देखिए चारों तरफ ये आपको हुक मिलता है देखने को, सिर्फ इस साइड, है ना। ये अपना दोनों तरफ पकड़ने का है, तो भाई ये कार कंफर्टेबल होने वाली है इस बार देखने को। तो भाई कुछ इस तरह से अपनी वरना थी 2023, ये इसका ग्रे कलर है। तो आप बताइएगा कि आपको कलर, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कलर कैसा लगा देखने में, है ना। ये आप पूरा गाड़ी का आप लुक आप देख लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए भाई फिर से आप इसका लुक देखिए एक बार, ये पूरा वॉक अराउंड है, ये देखिए। फिर से इसका इंटीरियर देखिए भाई, बहुत ज़्यादा ये प्रीमियम लग रहा है देखने में। ये कुछ इस तरह से था,
तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।